नूडल्स आजकल हमारे घर में हर ये मेन आइटम बन चुका है, मेन खाना बन चुका है, मेन मील बन चुका है। यानी कि हम जब भी हल्की फुल्की भूख हो तो नूडल्स बना लेते हैं, और बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं, बड़े भी बड़े शौक से खाते हैं। तो बस आज मैं बना रहा हूँ नूडल्स, वो भी होममेड टोटली, और बहुत ही मज़े के स्पाइसी, बहुत यूनिक सी आइटम है। तो आप लाजमी ट्राई करें इसको, और कोई भी मुश्किल चीज़ मैंने नहीं डाली जो आपको ना बनानी आती हो। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नईम इस्लाम और मैं बना रहा हूँ आज नूडल्स टोटली होममेड। जैसे कि आपने देखा, मैंने घी गरम किया है, घी में मैंने थोड़ा सा कीमा डाला है चिकन का, और एक दो बोटियाँ डाली हैं हड्डी वाली, और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगा टमाटर थोड़ा सा। जब वो फ्राई हो जाएगा चिकन को अच्छी तरह लहसुन अदरक के साथ फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद टमाटर डाल दें, टमाटर आपने बारीक चॉप कर लें, और साथ ही मसाले डाल दें। मैं सिर्फ इसमें जरा मिर्च डालूँगा, नमक डालूँगा और थोड़ी सी हल्दी डालूँगा, क्योंकि हमारे घर में इतनी ज़्यादा मिर्च नहीं खाते हैं। तो जैसे आपने डालनी तो स्पाइसी आपने करना है, आप बेशक इसमें लाल मिर्च भी ऐड कर लें, वो आपके ऊपर है। और फिर साथ ही जब ये मसाला भुनसा जाएगा, टमाटर थोड़े से वो ग्रेवी से बन जाएगी, तो मैं इसमें ब्राउन प्याज डाल दूँगा। ब्राउन प्याज का ये फ़ायदा है कि इससे ग्रेवी बड़ी थिक हो जाती है और गाढ़ी सी बन जाती है। तो अगर ब्राउन प्याज नहीं भी है, ऑप्शनल है ये, तो आप बेशक इसमें दूसरे फ्रेश प्याज डाल दें काट के पहले, और साथ ही इसकी ग्रेवी बना लें। पानी डाल दें इसमें 3-4 कप, ताकि ना ये अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। यहाँ पर आप एक आटे का पेड़ा ले लें, बड़ा सा आटे का पेड़ा लेना है आपने, और इसको अच्छी तरह से आपने बेल लेना है, बड़ी सारी रोटी बना लेनी है। और उसमें सूखा आटा ज़्यादा जलेगा, सूखा आटा डाल के आपने रोटी बेलनी है बड़ी सारी। फिर इसको एक किसी कटर की मदद से बारीक सा काट लें, बारीक बारीक काट लें, जिस तरह नूडल्स लंबे लंबे कटे जाते हैं उस तरह आप इसको इस शेप में काट लें, बिल्कुल अलग अलग कर लें, और साथ साथ सूखा आटा डालते रहें, ताकि वो आपस में जो आपने काटे हैं वो चिपके ना, उनको आपने चिपकने नहीं देना साथ में ना। फिर ये देखें, ये मैंने सारे नूडल्स काट लिए हैं, और मैं ये सूखा आटा डाल के इनको अच्छी तरह मिक्स करूँगा, ताकि ना ये अलग अलग हो जाए, बिल्कुल साथ जुड़े ना। तो आप देखेंगे ये तो माशाल्लाह यार बहुत ज़बरदस्त डिश बनती है, और आउटस्टैंडिंग फ्लेवर आता है इसका, तो बच्चे तो बड़े शौक से खाएँगे। और हेल्दी मील है, यानी कि कोई इसमें एक्स्ट्रा चीज़ नहीं जा रही। बस फिर जब पानी पकना शुरू हो जाए तो मैंने इसमें डाली है गाजर, और साथ में मैं एक आलू की शेप जो है ना, चिप्स वाली शेप, उस तरह आलू एक काट के डाल दिया था मैंने, और थोड़ी सी एक गाजरें बगैर कद्दूकश करके डाल दिए मैंने। तो ये भी साथ ही पक जाएंगी, वो टेंशन कोई नहीं है, और आलू भी साथ बहुत अच्छे तरीके से बल जाएंगे। यहाँ पे आप आटा डालना शुरू कर दें इसमें, और थोड़ा थोड़ा करके डालना है, थोड़े थोड़े करके नूडल्स डालने हैं, बिल्कुल सारे एकदम से नहीं डालने, वरना वो बिल्कुल हलवा सा बन जाएगा। और वो साथ साथ चम्मच चलाते रहें, और साथ साथ थोड़े थोड़े नूडल्स आप डालते रहें। जिस टाइम मैंने ये रेसिपी शुरू की थी तो मैंने कहा कि पता नहीं कैसी बनेगी, लेकिन इसका टेस्ट जो आया है ना, वो आप भी कहेंगे इट्स मीन नेक्स्ट लेवल, यानी कि नेक्स्ट लेवल का इसका टेस्ट आया था, बहुत ज़बरदस्त बने थे नूडल्स। बस फिर वो जब तैयार हो जाए, आटा शाटा आप सारा डाल दें उसमें, नूडल्स डाल दें यानी कि, तो साथ आपने सोया सॉस, चिल्ली सॉस और सिरका थोड़ा सा ये डालना है चूल्हा बंद करके, यानी कि चूल्हे का बिल्कुल फ्लेम लो कर दें, बंद कर दें। मैंने जितनी भी ये रेसिपी बनाई है मीडियम से लो फ्लेम पे बनाई है, आपने बिल्कुल उसको हाई नहीं करना है चूल्हे को, वरना सारा कुछ नीचे लग जाएगा। और सबसे बेस्ट थिंग जो आपने करनी है वो ये गर्म गर्म ही सर्व करना है, जैसे सूप हो गया और यखनी होगी, हम गरम गरम से अब सर्व करते हैं तो वो अच्छी लगती है, इसी तरीके से ये भी आपने गरम गरम ही सर्व करना है, ये इसका टिप है। यानी कि अगर आपने इसे ठंडा सर्व किया तो ये आटा जो है ना वो जम सा जाता है, और बिल्कुल भी टेस्ट मज़े का नहीं लगता। बस फिर यहाँ पे मैं इसको मुँह दिखाई करने लगाऊँ, एंड में अपने धनिया भी डाल देना है इसमें। अगर आप थोड़ा स्पाइसी और खाना चाहते हैं तो गर्म मसाला और काली मिर्च, वो आपने एंड में ऊपर सर्व करने से पहले डाल देनी है। तो यकीन करें बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आया था इसका, और बहुत मज़े का बना था। यहाँ मैंने एक बॉयल एग काट लिया है, और ये मैं बॉयल एग के साथ इसे खाऊंगा और इंजॉय करूंगा। सर्दियों की बहुत मज़े की रेसिपी है, आप लाजमी इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह घर में सबको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।